छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी की हालत नाजुक बनी हुई है। मेडिकल बुलेटिन में दी गई जानकारी के मुताबिक जोगी को वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अजीत जोगी का हृदय सामान्य रूप से काम कर रहा है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल गतिविधियां यानी कि मस्तिष्क की गतिविधियां नहीं के बराबर हैं। डॉक्टरों की माने तो वो अगले 24 घंटों के बाद ही बता पाने की स्थिति में होंगे कि उनके मस्तिष्क जांच में पता चला था कि उनकी सांस की नली में इमली का एक बीज फंसा हुआ है। डॉक्टरों ने उस बीज को उनकी सांस की नली से निकाल तो लिया, लेकिन तभी से जोगी कोमा में है। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है। सोमवार को जोगी का हाल जानने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित कई कांग्रेसी नेता भी अस्पताल पहुंचे। राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधायक धर्मजीत सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने अस्पताल पहुंचकर जोगी का हाल जाना। जोगी के स्वास्थ्य को लेकर सभी चिंतित हैं। जोगी एक लोकप्रिय नेता के रूप में केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देकर जोगी राजनीति में आए थे और छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बनने का गौरव हासिल किया था। न्यूज़ डेस्क।